महाराष्ट्र में हमेशा सूफियों और संतों की भूमि रही है, जिन्होंने इस पावन भूमि पर प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता को बनाए रखने में अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया है। पिछले कुछ समय से कुछ अराजक तत्व इस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण महंता गंगा रामगिरी महाराज द्वारा नासिक में जो अभद्र टिप्पणी, आपत्तिजनक बयान, दुष्प्रचार और समस्त मुस्लिम समुदाय के आदर्श पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में की गई गुस्ताखी किसी भी सूरत में मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद पर जिस भाषा का उपयोग महंत रामगिरी महाराज ने किया है वह मुस्लिम भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है, जो दुखद तथा निंदनीय घटना है। इस घटना का निषेध करते हुए पार्श्वनी के मुस्लिम भाइयों ने थानेदार राजेश कुमार थोरात से मिलकर महंत गंगा रामगिरी महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग शुक्रवार को की गई। इस देश का मुसलमान हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस बात को इस प्यारे देश में रहने वाले कुछ सांप्रदायिक तथा देश विरोधी, समाज विरोधी लोगों द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे देश में कानूनी सौहार्द बिगाड़ने का काम कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं। ऐसे अराजक तत्व के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने की है। देश में भाईचारा, एकात्मकता, बंधुभाव, प्यार और मोहब्बत बनी रहे, इसलिए सभी ने प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। महंत गंगा रामगिरी महाराज पर तुरंत गुना दाखिल कर गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इस देश में एकता अखंडता को तोड़ने वाले और सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने का काम किया जाए, जिससे इस भारत देश की एकता अखंडता बरकरार रहे। इस तरह की मांग इस अवसर पर की गई। इस अवसर पर याकूब शेख, अफरोज सानी, डॉक्टर इरफान अहमद, मौलाना रफीक रिजवी, हाजी रशीद बाखाड़े, इमरान बाखड़े, हाजी रफीक शेख, जमील शेख, नसरू बाखाड़े, सोहेब शेख, कलम बाखाड़े, इरशाद शेख, सज्जाद कुरैशी, निसार शेख, हाजी पीर मोहम्मद शेख, मौलाना फैजान अहमद, आरिफ बाखाड़े, हाजी अल्ताफ कुरैशी, बब्बू कुरैशी, आफ्ताब बाखाड़े, साहिल बाखाड़े, फारूक गड़कर नोजे, दानिश झाड़िया, रोहान शेख, इस्माइल शेख, नसीम शेख, मोहम्मद साहिल, रेहान बकड़, अयान शेख, सादिक शेख, मुस्ताक पठान के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई इस अवसर पर उपस्थित थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गंगा गिरी महाराज ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की है, जिन्हें मज़हब की कोई ज्ञान और मालूमात नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह से उन्होंने अनर्गल बात की, इस पर हम जो है पूरे मुसलमान पारसिमनी वाले जो है पुलिस स्टेशन में आकर डिपुटेशन दे रहे हैं, और ये आशा करते हैं कि प्रशासन जो है उन पर लगाम लगाए और उनको इस तरह से करने पर जो उन्होंने किया है उससे माफ़ी मांगने पर उनको बाध्य करें या उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। चमन में अलग अलग फूलों से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये महाराष्ट्र ये सूफी और संतों की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहा है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने 18 पगड़ जातियों को एक साथ लेके स्वराज की स्थापना की, उनकी भी जन्मभूमि महाराष्ट्र है। सरकार बाबा ताजुद्दीन की भी जन्मभूमि महाराष्ट्र है, और ये महाराष्ट्र उन सूफी और संतों का महाराष्ट्र है जिन्होंने प्यार और मोहब्बत और एकता और अखंडता का पैगाम पूरे देश को दिया है। पर कुछ अराजक तत्व और उस विचारधारा के लोग जो इस सामाजिक भाईचारे को और इस एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें से एक नाम अभी जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमारे और हम सब के मुसलमानों के आदर्श है उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की, जो गंगा रामगिरी महाराज जो नासिक में उन्होंने कार्यक्रम में जो टिप्पणी की वो एक इंतहाई घटिया हरकत है। और इस तरह के जो काम वो करते हैं उनका सिर्फ मकसद किसी धर्म को आपत्तिजनक टिप्पणी करना नहीं, बल्कि इस देश में पोलराइजेशन को बढ़ावा देना है और इस देश में अलग अलग धर्मों को आपस में बांटना है, ताकि आने वाले चुनावों में उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। सबसे बड़ा हमारी जो विडंबना है वो ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जो पीठ थपथपाई है, हम उसके लिए मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं आप हमारी भावनाओं को समझे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि इस देश में जब से 2014 के बाद से जो सरकार बनी है और महाराष्ट्र में भी जो सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं इन अराजक तत्वों को बढ़ावा देती है। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हमें पूरी तरह से न्याय दिया जाए और ऐसे कठोर कदम उठाए जाए कि आने वाले समय में कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए।
एनवीएसएन न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।